बैकग्राउंड वॉइस को रिमूव करने के लिए आपको एक माइक चाहिए होगा, तभी बैकग्राउंड नॉइस रिमूव होगी वॉइस से। लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा माइक चाहिए होगा, और जिसके लिए आपको 4,000 से 5,000 चाहिए माइक के लिए। ये मैं स्टार्टिंग का रेट बता रहा हूँ। तो अभी जो मेरी वीडियो बन रही है वो मैं अपने मोबाइल के वॉइस रिकॉर्डर से बना रहा हूँ, और इसमें कोई माइक नहीं यूज हो रहा है। और इसकी वॉइस जो मैं बैकग्राउंड की वॉइस जो आ रही है उसको मैं रिमूव किया हूँ एक एप्लीकेशन से, और वो एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो मैं आपको ऐप का नेम बताने से पहले आउटडोर चलता हूँ और वहाँ चेक करता हूँ कि क्या ये सच में काम करता है और बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करता है। वहाँ हम चेक करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी वॉइस में से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे अपनी वीडियो शूट करेंगे और चेक करेंगे कि बैकग्राउंड की नॉइस रिमूव होती है कि या नहीं। यहाँ पे आप देख सके कि कितनी ज्यादा नॉइस आ रही है बैकग्राउंड से, और मैं यहाँ पे मेन रोड पर हूँ, और अभी जो आप सुन रहे हैं वो कोई भी नॉइसलेस वॉइस नहीं है मेरी, ये डायरेक्ट मैं शूट कर रहा हूँ और आप तक ये जा रही है। अब ये अच्छे से आप सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपको नॉइस रिमूव करके सुनाता हूँ। अब आप जो ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं इसमें से बैकग्राउंड की नॉइस जो मैं रिमूव कर चुका हूँ, और बस ये फोन से विदाउट माइक यूज किए हुए इतनी अच्छी वॉइस आ रही है। और अभी मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि कितनी अच्छी बैकग्राउंड की नॉइस हट सकती होगी इस ऐप से। अब मैं आपको ऐप का नेम बताने जा रहा हूँ और उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे अपनी वॉइस को इम्पोर्ट करके और उसको रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड नॉइस को। तो आपको अपने प्ले स्टोर पर सिंपली नॉइस रिड्यूसर सर्च करना है, और यहाँ से आपको ऑडियो वीडियो नॉइस रिड्यूसर का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन रहेगा वो फ्री मिल जाएगा आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो हम एप्लीकेशन में इंटर करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा। प्ले ओरिजिनल, इससे आप अपनी ओरिजिनल वॉइस को सुन सकते हैं। प्ले नॉइसलेस, इससे आप नॉइसलेस वॉइस को सुन सकते हैं। इंपोर्ट फाइल से आप ऑडियो वीडियो इंपोर्ट कर सकते हैं। सेव एज से प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। इंपोर्ट फाइल से ऑडियो को इम्पोर्ट करते हैं और यहाँ पे डिनॉइजिंग होना शुरू हो जाएगा। प्ले नॉइसलेस से नॉइसलेस वॉइस को सुन सकते हैं। अब आपको सेव एज पर क्लिक करके MP3 करके सेव कर देना है। तो आपको कुछ इस तरह करके अपनी वीडियो को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कहीं पर भी, और अब माइक की जरूरत भी नहीं आपको पड़ेगी। हाँ, अगर फ्यूचर में आप यूज करना चाहें तो वो आपकी च्वाइस है, आप उसे परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको जो जानना है कि कैसे मैं अपनी वॉइस को मैच किया हूँ वीडियो से और कैपकट का यूज करके, तो आप मेरी इस वीडियो को देख लीजिए और आसानी से अपनी वीडियो को एडिट कर लीजिए।